दोस्तों स्वागत करता हूं आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं जगुआर थर्मोस्टेटिक डायवर्टर और कंसील बुलेट फिट करके बताया था पूरे डिटेल्स में, इसको कैसे फिट किया जाता है इसके बारे में दिखाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के मैं एंड में एक वीडियो दे दूँगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में उसी डायवर्टर और दोस्तों बुलेट का पॉइंट मेजरमेंट्स के बारे में बताऊँगा, सभी आपको डिटेल्स में बताऊँगा कौन सा लाइन कहाँ से आया और कैसे कनेक्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, नीचे से ये पानी का एक लाइन आकर यहाँ पर इसका इनलेट में कनेक्शन हुआ है दोस्तों गर्म पानी के लिए। आप देख लीजिए ये लेफ्ट साइड से, और राइट साइड में एक दोस्तों यहाँ पे इसका कोल्ड वाटर के लिए कनेक्शन हुआ है, यानी ठंडा पानी का कनेक्शन। ये भी दोस्तों ऊपर से आया है और ऊपर इसका मेन बॉल बल्ब भी दिया गया है फॉल सीलिंग में। यहाँ पे मैं आपको भी दिखाऊँगा, आप देख लीजिए यहाँ पर ऊपर से एक इंच का दोस्तों मेन लाइन आया है और वहाँ पे एक मेन बॉल बल्ब भी दिया गया है। वहाँ पे फॉल सीलिंग बन जाएगा तो वहाँ से दोस्तों पानी चालू बंद भी हो जाएगा। यहाँ पे तो नीचे का दो इनलेट का कनेक्शन, उसके बाद में ऊपर का तीन आउटलेट में से दोस्तों राइट साइड में से एक स्पाउट का पॉइंट लिया हूँ। यहाँ पर नीचे आप देख लीजिए तो ऊपर का तीन आउटलेट है, एक में से स्पाउट का पॉइंट और दोस्तों यहाँ पे उसका साइड का पॉइंट से स्पाउट और ऊपर का पॉइंट जो है उसमें से शावर के लिए पॉइंट गया है। ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए ओवरहेड शावर के लिए गया है। और उसके बाद में ये लेफ्ट वाला जो आउटलेट है इसमें से दोस्तों मैं बॉडी एट में कनेक्ट किया हूँ टी मार्कर। यहाँ पे आप देख लीजिए तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको चारों साइड इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है सर्कल बनाकर यहाँ पे, नहीं तो पानी क्या दोस्तों, अगर आप नहीं मिलाते इसको तो पानी अप डाउन होता रहेगा सभी साइड में, समान भाग में नहीं जाएगा। तो इसको आपको रिंग बनाकर मिलाना है, यहाँ पर इंटर कनेक्शन करना है। आप देख लीजिए चारों साइड मैं T45 मार्कर कनेक्ट किया हूँ और ऊपर और नीचे डबल एल्बो मार्कर यहाँ पर मिलाया हूँ, मतलब इंटर कनेक्शन है। पानी जैसे यहाँ पे इसमें आएगा तो चारों साइड में पानी एक सर का मिलेगा आपको। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको हाइट बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये 600 का जो है दोस्तों 600 फ्लोरिंग लेवल है। उसके बाद में पहला स्पाउट का जो पॉइंट है 20 इंच सेंटर है पॉइंट एल्बो का, यानी स्पाउट का। और उसके बाद में पहला जो दोस्तों कंसील बुलेट का पॉइंट है वो 27 इंच में है और उसके ठीक एक फीट ऊपर यानी 39 इंच में दूसरा बुलेट का पॉइंट और उसके एक फीट ऊपर यहाँ पर तीसरा बुलेट यानी 51 इंच इसका लास्ट बॉडी एट का सेंटर है। आपके हाइट के हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हो, इससे दो से तीन इंच यानी आप 51 से लेकर दोस्तों 55 इंच हाइट तक आप रख सकते हो अगर आपका लंबाई ज़्यादा है तो। यहाँ पे हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। और साइड वॉल से यहाँ पे 2 फीट इसका दोस्तों बॉडी एट और स्पाउट और ये शावर सभी का मैं सेंटर रखा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि एक साइड वाला ये बॉडी एट सिस्टम है इसीलिए यहाँ पर दोस्तों तो डायवर्टर को मैं लेफ्ट साइड में रखा हूँ और उसके बाद मैं राइट साइड में इसका शावर एरिया का मतलब शावर का सभी पॉइंट किया हूँ ताकि यूज करने में आसान हो और ऑपरेट करने में भी आसान हो। और डायवर्टर का हाइट यहाँ पे फ्लोरिंग का टॉप लेवल से यहाँ पे दोस्तों 1 मीटर यानी 39 इंच में इसका सेंटर रखा हूँ, जो प्लेट का सेंटर आएगा उसको यहाँ पर। और वहाँ पर आप देख लीजिए और ये जो शावर है यहाँ पे जो शावर एरिया होता है यहाँ पे जो कंथिल बॉडी और सभी का पॉइंट है इसका दोस्तों बिल्कुल डोरी का सेंटर में आएगा, यानी 600 में आएगा तो बहुत शानदार दिखेगा। यहाँ पे डोरी लग जाएगा टाइल्स का जब दिखेगा तो फिनिशिंग के बाद खास करके बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए मैं इसका सभी बॉक्स को लगा देता हूँ और ये सब को आपको क्या करना है दोस्तों ध्यान में रखना है, आपको सभी को ओलम्बो करके आपको देखना रहता है। जैसे ये 3 बॉडी 8 का पॉइंट और ये स्पाउट और ऊपर का शावर, यहाँ पे आप देख लीजिए चारों को मैं एक सर का रखा हूँ तो मैं अभी आपको ओलम्बो करके बताऊँगा यहाँ पे। और ये ओलम्बो अगर आप नहीं करते हो बाई चांस थोड़ा आउट हो जाता है तो बहुत ही ख़राब दिखता है, तो जाम करने से पहले ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। और ये जो प्लास्टिक है दोस्तों प्लास्टिक का आपको प्लास्टर के अंदर लेना है, इसका जो प्लास्टिक का बॉडी ये अंदर होना चाहिए बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर हो जाएगा चलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अब मैं अच्छे से इसको ओलम्बो करके आपको बताता हूँ। आप देख लीजिए बिल्कुल सेंटर में मैं पकड़ा हूँ वहाँ पे ऊपर शावर का और ये आप देख लीजिए बिल्कुल ओलम्बो में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सभी दोस्तों स्पाउट और ये 3 कंसील बुलेट का पॉइंट और ऊपर शावर वाला एल्बो। तो दोस्तों इसको फिटिंग करने के बारे में वीडियो एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स में बताएँ इसको कैसे फिट कर किया जाता है इसका पाइपलाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।